Well, those were some big directors and their big failures. Par pichle saal, kai nai directors ne box office par bazi maar li. And the trend continued this year as well with films like No One Killed Jessica. So we have the man himself, his film ke director Rajkumar Gupta aur veteran director Anil Sharma, jinhone Gadar, Apne aur Veer jaisi filmein banayi hain. Welcome to the show, gentlemen. Thank you. So what's your take on this trend? Trend shabd se mujhe aitraz hai. बात यह है कि जिसके पास राइट कहानी आ गई उसकी फिल्म चल जाती है और नए लोग आते हैं उनकी फिल्म चलती है जो ऑडियंस है उनकी तरफ से भी एक उनकी भी सोच में थोड़ा फर्क आ रहा है तो वो भी उस आइडियाज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं राजा आपने ऑडियंस की बात उठाई तो अगर उनका पर्सपेक्टिव देखें उनका कई बार ये मानना है कि फिल्म डायरेक्टर्स लाइक संजय लीला भंसाली समवेयर वो फिल्म अपने लिए बनाते हैं ऑडियंस के लिए नहीं कहीं ना कहीं वो ऑडियंस पर्सपेक्टिव लूज होता है मैं ऐसे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा सोचता हूँ कि भाई फिल्मकार को इस तरह का सोचने का कोई अधिकार ही नहीं है मैं तो इस बात में बहुत तरीके से सोचता हूँ कि अधिकार ही नहीं है कि आप फिल्म बना रहे हैं सिर्फ अपने लिए फिल्म बना रहे हैं अपने लिए फिल्म बना रही है वीडियो कैमरा फिल्म बना रही है अपने घर में देखिए तो आपको अपनी विम्स एंड फैंसी के लिए किसी को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है ये थॉट से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि कोई भी फिल्म मेकर एक जो फिल्म है वो ये सोच के बनाता है मैं अपने लिए बना रहा हूँ या एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ वो कहानी कहने की कोशिश करता है अपने कन्विक्शन से अपने तरीके से उसे कहीं ना कभी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती कभी एक सर्टेन ऑडियंस एक्सेप्ट करती है कभी ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं मैं ये मानता हूँ कि फिल्म जो है वो आप एक ऑडियंस के लिए बनाते हैं अपने लिए नहीं बनाते आपकी फिल्म वीर की बात करते हैं दैट गॉट एवरीथिंग गोइंग फॉर इट चाहे आप स्टार कास्ट की बात करें या हाइप की बात करें इट वाज समथिंग एवरीबॉडी लुक फॉरवर्ड टू आपको क्या लगता है उसके स्टार जो उसकी बॉक्स ऑफिस देखिए वीर के बारे में मैं कहूँगा वीर के बारे में हम कहीं ना कहीं स्टोरी में रॉन्ग हो गए थोड़ी बहुत ऑडियंस को सिंगल थिएटर की ऑडियंस को मैं कनेक्ट कर सका तो 60-70-80 करोड़ का उसका बिजनेस हो गया अगर मैंने वो पिक्चर 60-70 करोड़ के 80 करोड़ के बिजनेस के लिए नहीं बनाई थी मैंने पिक्चर बनाई थी 200-400 करोड़ का बिजनेस करेगी तो मैं उस मामले में अपनी असफलता मानता हूँ कहीं ना कहीं मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरता मैं जानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं कहानी कहने में रॉन्ग हो गया इसलिए वो फिल्म रॉन्ग हो गई बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं राज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप समझते हैं कि जो न्यू डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम होती हैं ऑडियंस की Okay, well, there's nothing to compare it with. I think that's an advantage, I would say. But मुझे ये लगता है कि जब नया डायरेक्टर या जब भी आता है तो वो अपने तरीके से एक बहुत ही enthusiasm के साथ एक कहानी लेकर आता है और उसे जो है जो बेस्ट तरीके से कहने की कोशिश करता है उस पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता कुछ नहीं होता कि उसे कुछ प्रूव करना है क्या करना है ऐसा नहीं है कि पुराने डायरेक्टर फेल हो रहे हैं नए डायरेक्टर पास हो रहे हैं पुराने डायरेक्टरों की भी पिक्चरें चल रही हैं नए डायरेक्टरों की भी पिक्चर चल रही हैं ऐसा है कि 100 कम से कम पिछले साल में नए डायरेक्टर आए होंगे बेचारे जिन्होंने बहुत जद्दोजहद करके फिल्में पाई आप समझ नहीं सकती हैं एक डायरेक्टर के लिए एक असिस्टेंट के लिए डायरेक्टर बनना और फिल्म पाना कितना बड़ा स्ट्रगल है आप उस स्ट्रगल का अंदाज़ा नहीं है आपको उन बेचारे 100 लोगों ने पिछले साल फिल्में पाई होंगी उसमें से 2-3 अच्छे कामयाब लोग हुए होंगे और 80-87 लोग 90 लोग अभी भी कामयाबी की तलाश में होंगे इसका मतलब ये नहीं वो बुरे हैं वो भी अच्छे हैं पर क्योंकि फिल्म पाना ही इस बात का सबूत है कि वो बहुत अच्छे और बहुत टैलेंटेड लोग हैं नहीं तो फिल्म ही नहीं मिलती एक एक्टर के लिए डेब्यू करना बहुत मुश्किल है एक डायरेक्टर के लिए एक वो ब्रेक मिलना इस इंडस्ट्री में वो कितना मुश्किल था आई थिंक वो भी उतना ही मुश्किल है सबसे पहले आप प्रोड्यूसर के पास जाते हैं वो पहली बार आपको देखता है तो उसको लगता है ये लड़का डायरेक्ट कर पाएगा उसको पहली आई थिंक 6 महीने उसको लगते हैं आप ये कन्विक्शन आने में कि ही कैन डायरेक्ट बट ही मेड अ ब्यूटीफुल फिल्म इस फर्स्ट फिल्म तो मुझे मालूम नहीं था इन्होंने बनाया अभी मुझे पता लगा आल्सो द वन नाउ नो वन किल्ड जेसिका आपने रानी के साथ काम किया विद्या के साथ काम किया कहीं ना कहीं न्यू डायरेक्टर्स के साथ कहीं पे वो ओवरवेलमिंग स्टेज आती है स्टार पावर को लेके बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन ओवरवेलमिंग से ज्यादा मुझे खुशी थी कि मुझे उनके साथ यू नो इस फिल्म पे इस स्क्रिप्ट पे इन दो कैरेक्टर को मौका मिल रहा है टू ब्रिंग इट अलाइव ऑन स्क्रीन Along the way, कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई जहां आप अपने आप को जस्टिफाई या प्रूव कर रहे हैं बिकॉज दे आर सो एस्टैब्लिश्ड एंड इन सम वेज मे बी विल गेट जजमेंटल ऑन योर स्क्रीन नो नॉट एट ऑल आई मीन फ्रॉम द टाइम आई नरेटेड देम द स्क्रिप्ट और गेव देम द स्क्रिप्ट टू रीड आई थिंक द स्क्रिप्ट डिड एवरीथिंग व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लाइक फॉर मी आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म राइट नाउ इट्स स्टिल आई एम डूइंग माय फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द फिल्म इट्स कॉल्ड घन चक्कर सो दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ What about you, Anuj? मैं अभी लगा हुआ हूँ Well, I do wish you the very best for your future projects.
And thank you for coming on the show. Thank you very much. Naya director ho ya purana, story wins. We established. Thank you. Thank you.